बिधुना कस्बे में लॉकडाउन के दौरान एसडीएम और सीओ के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर जांच की गई तो हड़कंप मच गया। दोनों अधिकारियों ने व्यापारियों से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की हिदायत दी। एसडीएम ने नई गाइडलाइन की जानकारी में कहा, जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल और किराना दुकान अब 24 घंटे खोल सकते हैं। शनिवार को एसडीएम राशिद अली खान, सीओ मुकेश प्रताप सिंह ने कस्बे के भगत सिंह चौराहा, फीडर रोड, लोहा बाजार में मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जांच आरंभ की, जिसे देखकर कुछ मेडिकल स्टोर के स्वामी दुकानों में तालाबंदी कर गायब हो गए। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों से शत प्रतिशत मास्क लगाने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, ग्राहकों को मास्क लगाकर ही दवा देने की बात कही। वहीं एसडीएम राशिद अली खान ने गाइडलाइन की जानकारी देते हुए कहा, लॉकडाउन के दौरान फल सब्जी की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी, 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर, किराना दुकान 24 घंटे खुलेगी। इस दौरान सीओ मुकेश प्रताप सिंह ने कहा, अनावश्यक मूल्य वृद्धि के लिए गोपनीय टीमें लगाई हैं। कहीं से कोई शिकायत इस प्रकार मिलती है तो सत्य पाई गई, ऐसे में दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल की दुकान और किराने की दुकान 24 घंटा खुलेगी। किराने की दुकान में है मसाला हुआ, आटा हुआ, चावल हुआ, ये सब की दुकानें लगातार खुली रहेंगी। सब्जी हुआ, दूध हुआ, फल हुआ, इसकी दुकानें 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी। फल, दूध, सब्जी की दुकानें 7 से 11 तक खुलेगी। मेडिकल और किराने की दुकान 24 घंटा अपनी इच्छा अनुसार लोग खोल सकते हैं। इसके बावजूद ये भी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लोगों ने रेट को बढ़ा लिया है या अनावश्यक रूप से उसको स्टॉक कर लिए हैं, तो हमारी टीम, पूरी टीम मिल करके इसकी जांच की जा रही है कि अगर किसी के द्वारा रेट को बढ़ाया गया होगा या स्टॉक किया गया होगा तो उनके खिलाफ नियमानुसार FIR दर्ज की जाएगी, उनके खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेडिकल 24 घंटे पहले भी खुल रहे थे, किराने की दुकानों का समय बढ़ाया गया है, जैसे जी साहब ने अभी बताया है, लेकिन साथ ही जैसे पूर्व व्यवस्था लागू थी कि सर्किल होने चाहिए, जैसे 2 फीट की दूरी पर्याप्त रूप से ग्राहकों के बीच में रहे, साथ ही सैनिटाइजर वहां पर दुकान पे होना चाहिए, जिसे सैनिटाइज करके वो अपना सामान ले या दे, मास्क अनिवार्य है, बिना मास्क यदि कोई आता है तो उसको सामान, हमने बताया, दुकानदार नहीं देंगे और उसको हमें भी बताएंगे तो हम उसको मास्क उपलब्ध कराएंगे या उनसे एक बार अपील करेंगे, नहीं अगर मानते तो हम उसका चालान भी काटेंगे। ये व्यवस्था इसलिए कि जनता को कम से कम परेशानी हो, साथ ही वो बीमारी से किसी तरीके से ना वो वाहक बने ना ही वो बीमारी से ग्रसित हो। सर, जो लोग दुकान वाले बढ़ाकर रेट बता रहे हैं उनके बारे में क्या गाइडलाइन देंगे आप? देखिए, जो भी रेट बढ़ा के या कहीं भी शिकायत आ रही है, हमारी टीमें लगी हैं, सादे में भी लगी हुई हैं और वर्दी में भी जो पुलिस में लोग खड़े हैं वो लगे हुए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तत्काल उस पर FIR होगी। साथ ही गोपनीय रूप से भी हमारे कुछ लोग हैं दुकानों पर जाकर रेट का जायजा ले रहे हैं, निर्धारित रूप से ऊपर देने पर तत्काल विधिक कार्रवाई की जाएगी।